उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत हमने अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है और सभी स्थान पर नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू के साथ साथ हमारा ध्यान चिकनगुनिया और मलेरिया पर भी है और उत्तराखंड में डेंगू के 65 संदिग्ध मामले सामने आए थे, लेकिन अब सभी के एलाइजा टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी सोर्स रिडक्शन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम लोगों ने लगभग 7.5 लाख से भी ज़्यादा घरों को हम लोगों ने कवर किया है अभी, और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट तीनों टीमें जो हैं मिलके काम कर रही हैं और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और जहाँ पे भी लार्वे पाए जा रहे हैं उनको नष्ट भी कर रही हैं। इसमें डेंगू के साथ साथ हमारा फोकस जो है चिकनगुनिया पे भी है और मलेरिया पे भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था। और कुछ केसेस चिकनगुनिया के आए हैं सामने देहरादून में, उसको हम लोगों ने संबंधित जिलाधिकारी के साथ हमने बात भी की है और उनको हमने निर्देशित भी किया है कि चिकनगुनिया के केसेस पे भी नियंत्रण पाने के लिए जो यथासंभव प्रयास करने हैं वो करें। हालांकि अभी किसी भी ज़िले में डेंगू के कोई केसेस नहीं आए हैं। जो सस्पेक्टेड केसेस हैं लगभग 65 केसेस हैं, उन सभी की हमने एलाइसा टेस्टिंग की है और सभी में नेगेटिव रिपोर्ट ही आया है। तो लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन चल रहा है और सब लोग मिलजुल के डेंगू के केसेस को नियंत्रित रखेंगे।